हेलो एवरीबॉडी, मैं आज मैं न्यू चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस टेस्ट क्लास सिक्स के लिए 11 जनवरी को समाप्त हो चुका है और वीडियो के सीरीज में हम लोगों ने आंसर की को देखा है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया है, अटेंडेंस परसेंटेज प्रत्येक जिला में कितना अटेंडेंस परसेंटेज रहा, कुछ जिलों का न्यूज़पेपर कटिंग मैंने दिखाया है। साथ ही साथ पूरे इंडिया में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा वीडियो का लिंक पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जिन बच्चों का नाम होता है यानी कि कुल 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो 80 बच्चों को किस तरह से इन्फॉर्म किया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। मैं आपको बताऊँ कि एक सिलेक्शन लेटर स्कूल के द्वारा भेजा जाता है, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस विद्यालय की ओर से आपके घर पे स्पीड पोस्ट किया जाएगा एक सिलेक्शन लेटर, जो कि इस प्रकार का होगा। हमारे स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे पहले उस सिलेक्शन लेटर में क्या होगा, ऊपर में स्कूल का नेम लिखा हुआ होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके बाद नीचे में ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जगह का नेम पार्टिकुलर जहां पे नवोदय विद्यालय का लोकेशन है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्कूल यानी कि ऑफिस यूज के लिए है, ऑफिस यूज के लिए साथ यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सेवा में, सेवा में के बाद स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, यानी कि सिटी का या फिर विलेज का जो भी आपने एड्रेस लिखा है, यानी कि जो एडमिट कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ रहता है वो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उस एड्रेस पर भेजा जाता है। आइए उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ रहता है देखते हैं। विषय जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के अस्थाई चयन की सूचना, यानी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है उसके सूचना देने के लिए ये लेटर आपके पास गया है। प्रिय महोदय, अपार हर्ष के साथ सूचित करना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यानी कि सीबीएसई द्वारा, ये जो एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है, दिनांक 11/2 को आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपके सुपुत्र सुपुत्री अनुक्रमांक यानी कि सुपुत्र या सुपुत्री और यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा हुआ रहेगा आपका जो रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड का इस विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु अस्थायी रूप से चयन हुआ है, यानी कक्षा 6 में अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो चुका है, इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। प्रवेश संबंधी शर्तें पूर्ण होने पर ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश संबंधी शर्त कंडीशन का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर पेश करने होंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और आपका एक मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे एडमिशन जो है, सिलेक्शन तो हो ही चुका है, एडमिशन भी वहाँ पे लिया जाएगा। ये सारे कंडीशंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं अगला वीडियो में बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, क्या क्या सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करना होता है सिलेक्शन के बाद। इस संबंध में अभ्यर्थियों को लेकर दिनांक इतना 10 बजे विद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हों, और साथ ही यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहेगा, डेट मेंशन रहेगा कि आपको इस तारीख को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में प्रेजेंट होना है बच्चों के साथ। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ है कि यहाँ पे दो डेट लिखा हुआ रहेगा, 25 और 26 दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों आप प्रयास कीजिए कि 25 तारीख को 26 तारीख जो भी डेट लिखा हुआ रहेगा उस डेट को आप पहले डेट को ही चले जाइए, अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो। और नीचे में जो है प्रिंसिपल का साइन रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया ये नवोदय विद्यालय समिति की ओर से लेटर नहीं भेजा जाता है, ये लेटर जवाहर नवोदय विद्यालय जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई किए हैं उस स्कूल के द्वारा भेजा जाता है, यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी अपडेट्स मैं अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा। थैंक यू।